हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू F3 बैचलर्स कुकिंग। मैं हूँ प्रियंका और प्रियंका किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी ऐसा होता है कि आजकल पार्टियों का सीज़न चल रहा है और लास्ट मोमेंट में हम कोई पार्टी थ्रो करें और घर में कुछ चकना ना हो, तो इंस्टेंट चकना कैसे बनाया जाए ये मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही यमी है। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मूँगफली, चाट मसाला, घी, नमक, नॉर्मल मसाले जिसमें हम ओनली लाल मिर्च यूज़ करेंगे, थोड़ी शक्कर और नींबू, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप ये मूंगफली को रोस्ट कर लें, पहले ड्राई रोस्ट करें। अब ये देखिए हमारी मूंगफली रोस्ट हो चुकी है और हम इसे निकाल देंगे। अब हम ये कड़ी पत्ता को काट लेंगे। और ये हरी मिर्च भी काट लें। हरी मिर्च एकदम बारीक काटें और अब पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच घी। इस घी में हम डाल देंगे ये हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। हरी मिर्च को अच्छे तरीके से क्रिस्पी होने दें, कड़ी पत्ता को भी क्रिस्पी होने दें। और ये पक गया है, अब हम इसमें डाल देंगे ये मूंगफली जो हमने ऑलरेडी रोस्ट की हुई थी। अब डालेंगे चाट मसाला। बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्च ऑलरेडी डाली हुई है। अगर आप ना भी डालना चाहें तो ना डालें। और बिल्कुल 4 दाने शक्कर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप इसमें थोड़ा नींबू डालें। तो ये देखिए हमारी इंस्टेंट चकना मूंगफली तैयार है। बहुत ही टेस्टी लगती है। आपको ये डिश मेरी कैसी लगी आप प्लीज़ हमें बताएं और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।